के बाद से लेकर अब तक इस पूरे एक घंटे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दिखाई दी, तो इस ये 12वीं कक्षा में है और आप सब यकीन कीजिए ये 12वीं कक्षा है। आरोही में गाने के लिए मैं ये सबको जब आमंत्रित करता हूं तो अभी मुझे सारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने चाहिए कि सचमुच 12वीं में है, सचमुच कॉलेज में है। ऐसे लगता तो नहीं है गाने से कि इतनी एक प्रगल्भता होनी चाहिए जो दिखाई देती है, लेकिन जिस आत्मविश्वास से और जो तालीम उसने पाई है उसका एक सही अंदाज से आप तक पहुँचाना कि ये गायकी मैंने आत्मसात की है अपने गुरु से और वो उसी अंदाज से पहुँचाना, ये काबिलियत अभी हमने इनके गाने से महसूस की। जोरदार तालियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर मैं बेहद खुश हूं कि आज उसने ये जो नथ बेसर गाया, बहुत लंबे अरसे के बाद ये मैंने सुना, अजय चक्रवर्ती जी से सुना था और जगदीश प्रसाद जी से सुना था और आज मुग्धा से सुन रहा हूँ। बहुत बेहतरीन, ये मुझे अच्छा लगा। नोस्टाल्जिया, उम्र हो जाती है तो नोस्टाल्जिया में आदमी रहता है। इनके साथ रहने का एक रहता है कि अपने आप को यंग महसूस करें। आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, एक बहुत अच्छी संगत सिद्धेश बिचोलकर और आज की पीढ़ी अपने संगत बहुत अच्छी ढूंढ लेती है। जय नायडू और मृदुल, इतनी अब मध्यांतर नहीं होगा, केवल 2 मिनट दे दीजिए। मंच व्यवस्था थोड़ी सी हमको तब्दीली करनी है, पर्दा सिर्फ उसी के लिए हम गिरा रहे हैं कि भाई 2 मिनट के लिए पर्दा गिरेगा और फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे ध्रुव बेदी सितार वादन के लिए। धन्यवाद।